नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा डिक्सॉन के बारे में। अब पिछले कुछ दिनों से डिक्सॉन के स्टॉक में करेक्शन आ रहा है, इसके बारे में हमने हमारे चैनल पे पहले भी डिस्कशन किया था, बट फ्यू गाइज हैव आस्क्ड मी ऑन ट्विटर अबाउट सेम। सो आई थॉट कि एक और वीडियो बनाना चाहिए जिससे लोगों को और थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी है। तो देखेंगे स्टॉक गिर क्यों रहे हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड डेफिनेटली थोड़े बहुत स्टॉक के फंडामेंटल्स भी देखेंगे, ताकि जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको ये सारी चीजें पता पड़ जाए। लेकिन उससे पहले आज गणतंत्र दिवस है, सो गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि हम लोग हमारे देश की तरक्की में आगे भी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और हमारा देश और आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। कल मैंने एक रिलायंस का वीडियो बनाया, रिलायंस के स्टॉक क्यों फॉल कर रहा है ये आप जरूर देखिएगा। और स्टॉक मार्केट जब फॉल होगा या अभी as we can see it is happening, तो आपको कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी है, ये दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच बोथ दीज वीडियोस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई डिक्सॉन इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी है क्यों। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का अगर बात आएगा इंडिया में, तो अभी मार्केट में एक बहुत बड़ा जो प्लेयर है वो है डिक्सॉन। अब आप देखिए 50% टेलीविजन का अगर एलईडी की बात करें तो मार्केट शेयर डिक्सॉन का है। वॉशिंग मशीन कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो 43% का है और एलईडी सीएफएल की बात करें तो 39% है। ये जो डेटा है इसमें मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें कंसीडर नहीं की हैं। एंड डिक्सॉन इज अ वेरी बिग प्लेयर इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू दीज प्रोडक्ट्स। काफी सारी कंपनीज डिक्सॉन को अपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स करने के लिए दे रही हैं, तो ये सारी चीजें हैं। इसको लेकर लोगों को पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस स्टॉक में और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फर्दर बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना दिस कंपनी इज गेटिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारी बातें हैं जो डिक्सॉन के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो काफी ज्यादा स्टॉक में गिरावट हो रही है, कंटिन्यूअसली स्टॉक करेक्ट हो रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो 2.43% का करेक्शन था। अगर डिलीवरी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं डिलीवरी अच्छी है, 38% से ऊपर की डिलीवरी है। इसका मतलब यह है कि लोग स्टॉक को खरीद रहे हैं, इसकी डिलीवरी रह रहे हैं और इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव बात है जो हमें ये इंडिकेशन देती है कि स्टॉक में गिरने के बावजूद इट इज बीन एक्यूमुलेटेड। अब अगर बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की हम बात करेंगे तो डिक्सॉन इज कंसीडर एज निफ्टी स्मॉल कैप 50। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो दिस कंपनी इज बेसिकली नाउ अ मिड कैप कंपनी। तो हम जब इसको कंपेयर करेंगे, मेनली जब मैं आपको ये रीजन बताऊंगा कि करेक्शन का क्या है, तब आपको और ये समझ में आएगा। तो देखिए ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है। ये जो आप तीन ग्राफ देख रहे हैं इसमें सबसे जो ऊपर वाला ग्राफ है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। एक्चुअली मुझे निफ्टी स्मॉल कैप 50 का चार्ट नहीं मिला तो मैंने 100 का लिया। ये पिछले एक वीक का मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद जो नीचे है निफ्टी मिड कैप 50 का, बिकॉज डिक्सॉन नाउ इज अ मिड कैप कंपनी। और सबसे नीचे वाला चार्ट है ये है डिक्सॉन का। अब आप देखिए पिछले एक वीक से निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप एंड डिक्सॉन कंटिन्यूअसली फॉलिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इट इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिक्सॉन। एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग इज हैपनिंग इन होल मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट बुकिंग डिक्सॉन इज ऑल्सो गेटिंग करेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कोई बुरी न्यूज है, किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज है, डिक्सॉन को कुछ नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी इज गोइंग टू प्रेजेंट इट्स रिजल्ट्स वेरी सून, सो देयर ऑल्सो यू विल गेट गुड आइडिया अबाउट इट। लेकिन देखें क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग है, आप देखिए बिल्कुल सेम फैशन में आप कह सकते हैं कि स्टॉक एक दूसरे को या ये इंडेक्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट डिक्सॉन और इफ वी टॉक अबाउट दीज इंडेक्सेस, दीज आर फॉलोइंग ईच अदर इन द सेम मैनर, सो वी कैन कंक्लूड दैट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इट इज हैपनिंग एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इन माय ओपिनियन देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अब अगर डिक्सॉन के फंडामेंटल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला मिड कैप कंपनी है, तो 16,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर वर्चुअली देयर इज नो डेट, 76% का डेट है और कैश अवेलेबल इज 97.69। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो 25% और 33% है।
अब अगर फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंपनी अपना सेल्स इंप्रूव कर रही है, कंपनी कंटिन्यूअसली अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट भी अगर हम ग्रोथ देखें तो 64.43% है, बहुत इंप्रेसिव फिगर है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो अगर 5 साल का भी एवरेज आप लेंगे तो 23% से ज्यादा है, 20% से ज्यादा हम कंसिडर करते हैं बहुत अच्छी कंपनी का। उसके बाद आरओसीई की बात करें तो 5 साल का प्रतिशत, 5 साल का एवरेज वैल्यू जो है ग्रोथ की वो है 29.76, सो दिस इज गुड। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज वैल्यू 5 इयर्स की 20% से ज्यादा है तो आप डेफिनेटली ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो पैट का रेशियो भी 1 से ज्यादा है, सो एफिशिएंसी, कैश फ्लो एफिशिएंसी इज ऑल्सो गुड इन दिस कंपनी। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ, 35% शेयर जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग है। डेफिनेटली थोड़ी बहुत होल्डिंग प्रमोटर्स से कम की है, बट समटाइम फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट इट हैपेंस। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ मैंने ईयर ऑन ईयर का डेटा लिया है, तो 2018 में 61 करोड़ था, फिर 63 हुआ, फिर 120 करोड़ हुआ। अभी मार्च 2021 का जब डेटा आएगा तो आपको काफी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे फिगर। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इस कंपनी में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखिए अगर स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखा जाए, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी तो हमने देख लिया 5 साल का प्रतिशत अगर एवरेज वैल्यू है तो 25% है, अगर स्टॉक प्राइस का भी सीएजीआर 3 साल का लिया जाए तो इट इज 53%, 3 साल में 53% से बड़ा है। तो अगर हम इस कंपनी का 53% का फिगर लेके चले, और मैं तो बोलता हूँ चलिए आप कंजर्वेटिव साइड ले लीजिए, आप 30% लेके चलिए कि अगर भविष्य में स्टॉक 30% के पे, तो दोस्तों यहाँ मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं डिक्सॉन में, और अगर 30% का हम लोग लेके चलते हैं कि स्टॉक का जो सीएजीआर होगा फ्यूचर में 30% से लेकर भी बढ़ता है और 5 सालों तक हम लोग इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें टोटल रिटर्न मिल सकते हैं 3,71,000 रुपए। तो देखिए रिटर्न की बात करें तो 30% भी अगर स्टॉक का सीएजीआर कंसिडर करके चले रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता पड़े, ताकि आपको ये पता पड़े कि स्टॉक में आपको ज्यादा फायदा तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, और ये जो मार्केट में या स्टॉक में करेक्शन आते हैं इनको आप बहुत ज्यादा आप इनको सीरियस लेके या इनकी फिक्र करके अगर आप स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसका हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए स्टॉक अगर मार्च के बाद की बात करें तो ये ब्लू लाइन जो है इसको काफी रिस्पेक्ट किया, दिस इज द मेन ट्रेंड लाइन ऑफ दिस स्टॉक। जो ये रेड लाइन है ये 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब अगर हम लोग बात करें नवंबर के बाद तो स्टॉक ने काफी जो मार्च के बाद की ग्रोथ थी उससे भी ज्यादा ग्रोथ दिखाई थी, रेट ऑफ ग्रोथ वॉज इंक्रीज्ड। लेकिन अभी आप कह सकते हैं पिछले 1-2 वीक से स्टॉक में कंटिन्यूसली करेक्शन हो रहा है, जैसा हमने ग्राफ में भी देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग है। तो जैसे इस लाइन को कटा है स्टॉक में करेक्शन हुआ। अभी आप देखिए ये 3 मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं, ये जो ऊपर वाला सपोर्ट था इसको ऑलरेडी स्टॉक ने काट दिया। अभी जो नीचे वाला सपोर्ट है 13,420 के आसपास स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था, मेरे को लगता है कि ये आपको लेवल दोबारा आते हुए अभी दिख सकता है, और अगर ये लेवल कटता है तो नेक्स्ट लेवल जो आपको कंसीडर करना है वो है 12,610 का। लेकिन ये जो रेड लाइन है जो 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका 13,000 के आसपास का लेवल है, मेरे को लगता है क्योंकि ये स्टॉक 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करता है। देखिए यहाँ भी स्टॉक टकरा के दोबारा बाउंस बैक हुआ, यहाँ स्टॉक टकरा के दोबारा ऑलमोस्ट बाउंस बैक हुआ, तो यहाँ 50-day EMA पे टच करके पॉसिबिलिटी है स्टॉक दोबारा बाउंस बैक करे। अगर 50-day EMA को काट लेता है तो नेक्स्ट लेवल जो आपको ध्यान रखना है वो है 12,600 रुपए के आसपास का। तो ये सारे लेवल हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर स्टॉक में आप कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट आया, मार्केट थोड़ा बुलिश हुआ, तो डेफिनेटली आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो मिलेगा 15,600 के आसपास का। तो ये सारे लेवल है जो आपको ध्यान रखने हैं। सो दोस्तों अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं कि डिक्सॉन इज गेटिंग करेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स। तो इन माय ओपिनियन देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहें, आपको फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बट अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर, फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो वाज फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आई विल रियली अप्रिशिएट इट। तो ये है इस वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, वंदे मातरम।